दोस्तों आप सभी बच्चों में से कई ढेर सारे बच्चों का हमारे पास सवाल आया था अलग अलग प्रकार का कि सर ये जो दृष्टि कोचिंग वाले अपना मेंटरशिप प्रोग्राम चला रहे हैं ये मेंटरशिप प्रोग्राम क्या है, इसका प्रोसेस क्या है, ये काम कैसे करता है, ये क्यों चला रहे हैं, या ये के UPSC एस्पायरेंट्स के लिए एक स्टूडेंट्स के लिए कितना ज़्यादा फ़ायदेमंद है, इसके बारे में आप सभी को बहुत ही डिटेल में बहुत ही अच्छे से बताने का प्रयास करता हूँ। पहले तो आपको ये बता दूं कि ये मेंटरशिप प्रोग्राम है क्या। तो देखिए मेरे भाई, ये मेंटरशिप प्रोग्राम आपकी जो ISPCS की तैयारी आप लोग करते हैं, UPSC की तैयारी कर रहे हैं, इसको धारदार बनाने का एक बहुत बड़ा माध्यम है। जो आप चंद नंबर से पीछे रह जाते थे ये उसको जो है पूरा करेगा। बहुत सारे बच्चों में टैलेंट की कमी नहीं होती है, कमी सिर्फ उनमें ट्रेनिंग की रह जाती है। उसी ट्रेनिंग के माध्यम से आपको जो है ट्रेंड किया जाएगा और आपकी छोटी छोटी गलतियों को पकड़कर आपको बताया जाएगा कि यह बताया जाएगा कि आप कहां पर कमज़ोर हो, आपका कौन सा पोर्शन मजबूत है, कौन सा कमज़ोर है, ये सभी निगरानी वहां रखी जाएगी। यह प्रोग्राम पहले इन्होंने अपने दिल्ली वाले ब्रांच पे लागू किया था, वहां चलाया था दृष्टि कोचिंग वालों ने, और वहां पर इन्होंने देखा कि जितने बच्चों को ये अपने मेंटरशिप प्रोग्राम के अंतर्गत लिए थे उनमें से अधिकांशतः बच्चों का सिलेक्शन हो गया कि कहीं ना कहीं किसी न किसी पद पर वो लोग चयनित हो गए। तो उसी से इनका जोश उत्साह इनका उत्साह बहुत ज़्यादा बढ़ गया, तो इसी से ये बहुत ज़्यादा ये मेंटरशिप पर फोकस किए हुए हैं। अब ये लेकर आ रहे हैं प्रयागराज वाले पर। प्रयागराज में क्या है कि ये 15 जनवरी से लेकर 21 जनवरी तक रजिस्ट्रेशन का डेट दिए हैं। अपने प्लेटफार्म पर सभी बच्चे आकर रजिस्ट्रेशन करेंगे जो मेंटरशिप प्रोग्राम में आना चाहते हैं। इनमें क्या हुआ कि दृष्टि कोचिंग वाले बच्चे भी मतलब अपना रजिस्ट्रेशन अपना फॉर्म भर सकते हैं और जो दृष्टि कोचिंग में नहीं पढ़ते हैं वो भी बच्चे आकर अपना फॉर्म भर सकते हैं। सिर्फ फ़र्क इतना है कि जो दृष्टि कोचिंग वाले हैं उनकी कोई फीस नहीं होगी और जो अदर कोचिंग के बच्चे हैं उनकी कुछ न कुछ फीस ये लोग रखेंगे। अब ये जो है 15 जनवरी से लेकर 21 जनवरी तक रजिस्ट्रेशन का डेट दिए हैं। 22 जनवरी को अपने यहाँ अपने लेवल पर अपने स्तर पर एक एग्जाम करवाएंगे, एक टेस्ट लेंगे, उस टेस्ट का एक निश्चित कट ऑफ तैयार करेंगे। उस कट ऑफ को जो बच्चा पार कर लेगा उसी बच्चे को अपने मेंटरशिप प्रोग्राम के अंतर्गत लेंगे, अपने प्रोग्राम में सम्मिलित करेंगे और जो बच्चा उस प्रोग्राम में आ जाएगा उसको फ्री में लाइब्रेरी दिया जाएगा, प्रोवाइड किया जाएगा एक अच्छी लाइब्रेरी, और लाइब्रेरी के साथ साथ उसका जो टेस्ट सीरीज दिया जाएगा उसे एक अच्छे स्किल मेंटर्स के द्वारा जो है उसे ट्रेनिंग दी जाएगी। उस बच्चे का कौन सा पोर्शन मजबूत है, कौन सा कमज़ोर है, बच्चा कहाँ गलती कर रहा है, उसकी एक एक कमियों पर ट्यूशन टीचर की तरह निगरानी रखा जाएगा। उसमें ये हो जाएगा और बच्चे जब ये मुख्य रूप से तो UPSC के लिए है लेकिन आप इसे स्टेट PCS के लिए भी जोड़ सकते हैं क्योंकि ये उसमें इंक्लूड रहता ही है। तो जो बच्चा जितने बच्चों को ये लोग ट्रेनिंग देंगे यही बच्चे जब जाकर प्रीलिम्स UPSC प्रीलिम्स का एग्जाम देंगे और जो बच्चे प्रीलिम्स निकाल लेंगे केवल उन्हीं बच्चों को फिर मेंस का जो है मेंटरशिप जो है ट्रेनिंग दिया जाएगा और इसी के जरिए ये चलता रहेगा। फिर क्या होगा, जो बच्चे आए इनके यहाँ उनको ट्रेनिंग दिए, बच्चे प्रीलिम्स में जो प्रीलिम्स निकाल लिया बच्चा उसे फिर अपने अंदर लेंगे, फिर उसे मेंस की ट्रेनिंग देंगे। बच्चा जब मेंस का कर लेगा तो फिर उसे जो है वो इंटरव्यू वगैरह का जो है ट्रेनिंग करवाएंगे। तो यही है इनका मेंटरशिप प्रोग्राम कि एक बच्चों को जो बच्चे चंद नंबर से पीछे रह जा रहे थे अपने स्किल के अंदर, उनके अंदर स्किल की कमी तो नहीं होती है, कमी होती है तो सिर्फ इनके अंदर ट्रेनिंग की कमी होती है। बच्चों को उनको जबरदस्ती तरीके से ट्रेंड करने का यहाँ प्रयास किया जाता है, उनकी एक एक कमियों पर नज़र रखा जाएगा और इसमें वही बच्चे केवल आकर प्लेटफॉर्म पर जो है फॉर्म भर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं, जो बच्चे जो है UPSC 2023 का प्रीलिम्स देने के योग्य हो गए हों। जो बहुत से ऐसे बच्चे होते हैं जो तैयारी कर रहे होते हैं उनकी एज नहीं होती है, एज नहीं होती है तो फिर भी वो तैयारी कर रहे होते हैं, ऐसे बच्चे नहीं आ पाएंगे। केवल ये उन्हीं बच्चों का कर रहे हैं जो UPSC प्रीलिम्स देने योग्य हो गए हैं। तो यही है इनका प्रोग्राम, ये हमारे हिसाब से बहुत अच्छा प्रोग्राम है। इसमें सभी बच्चों को जो है ये ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को इसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए और अपने तैयारी को गहराई में उतार कर अंदाजें
कि भैया हम कितने पानी में हैं, कि अगर जो लोग इसमें चयनित हो जा रहे हैं उनके लिए तो बहुत बड़ी बात है, उनको बहुत सारी सुविधाएं मिलेंगी, फ्री में मिल जाएंगी और उनको बहुत अच्छे ट्रेनर्स के द्वारा उनको अच्छी ट्रेनिंग मिल जाएगी और उनको जो है एक जो छोटी छोटी कमियों की वजह से वो लोग सफलता को पार नहीं कर पा रहे थे वो उसे क्रैक कर जाएंगे। तो हमारे हिसाब से ये सही है और आप सभी को इसमें पार्टिसिपेट होना चाहिए।